दोस्तों स्कूल साथियों के लिए पीएसपी पोर्टल को लेके एक लेटेस्ट अपडेट है वो लेकर आया और लेटेस्ट अपडेट ऑनलाइन क्लास डाटा एंट्री को लेकर के, इसलिए वीडियो हमारे स्कूल साथियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ ऑनलाइन क्लास डाटा एंट्री की कुछ इम्पोर्टेंट बातें वो भी आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका अपना साथी राज गुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा पीएसपी पोर्टल पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लास की जानकारी हमसे मांगी थी और इसकी पहले लास्ट डेट 15 मई थी, उसको बढ़ा के फिर 22 मई कर दिया। लेकिन 22 मई तक काफी हमारे जो स्कूल साथी हैं वो ऑनलाइन क्लास की डाटा एंट्री पोर्टल पर फीड नहीं कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग के द्वारा एक और मौका दिया गया था। 23 मई को एक और ऑर्डर आया था, जिन भी स्कूल साथियों ने पोर्टल पर ऑनलाइन क्लास की जानकारी नहीं भर सके हैं, कारण चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो वो डायरेक्ट विभाग को मेल करके अपनी ऑनलाइन क्लास की जानकारी वो दे सकते हैं। तो काफी सारे स्कूल साथियों ने मेल भी की होगी, लेकिन उसके बाद भी काफी सारे जो स्कूल साथी वो टेंशन में आ गए, क्या विभाग के द्वारा एक बार डेट बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। काफी सारे स्कूल साथियों के मुझे कमेंट भी मिल रहे थे, मेल्स भी मेरे पास आ रही थी। तो भैया देखिए, अगर आपने अभी तक भी अगर ऑनलाइन क्लास की डाटा एंट्री नहीं की है तो भैया आपके पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि काफी सारे जो स्कूल साथी वो टेंशन में आ गए थे इसी वजह से। तो अब आपकी टेंशन दूर हो गई है, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन क्लास की डाटा एंट्री की डेट है वो एक बार फिर से बढ़ा दी है और ये डेट बढ़ा के भैया 8 जून 2021 कर दिए, यानी अब आप कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लास की जानकारी 8 जून तक है वो पोर्टल पे भर सकते हो। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा और विभाग वो आपकी नहीं सुनेगा। तो आपके पास ये गोल्डन चांस है, अगर आप ऑनलाइन क्लास की जानकारी भरना चाहते हैं तो आपके पास ये सुनहरा मौका है। अब यहाँ पे कुछ साथी ये भी पूछेंगे कि हमें कौन सी क्लास तक की डाटा एंट्री करनी है, तो दोस्तों आपको मैं कहना चाहूंगा अगर आप चाहो तो सभी क्लास की कर सकते हो, लेकिन यदि आपके पास आरटी के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि आरटी का क्लेम हमें मिले, सरकार के द्वारा हमें पेमेंट मिले, तो भैया आरटी वाले स्टूडेंट की जानकारी आपको जरूर भरनी है। तो भैया देखिए, लेटेस्ट अपडेट तो ये था। अब यहाँ पे कुछ विशेष बातें मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जब से ये ऑनलाइन क्लास की डाटा एंट्री का लफड़ा शुरू हुआ है, तब से अपने राजस्थान के जितने भी प्राइवेट स्कूल छात्री हैं जिन्होंने संगठन बना रखे हैं, तो भैया वो संगठन बार बार विरोध कर रहे थे कि भी पोर्टल पर आपको ऑनलाइन क्लास की जानकारी वो आपको फीड नहीं करनी है, क्योंकि विभाग है वो हमारे साथ दोगली नीति कर रहा है, तो ऐसे में इस दोगली नीति का हम साथ नहीं देंगे, बगैर ऑनलाइन क्लास की जानकारी ऑनलाइन भरे हुए हम अपना पैसा वो लेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग जो संगठन है वो बार बार सरकार से भी मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ ये जो संगठन है, क्योंकि काफी जगह अलग अलग जिलों के अंदर कई जो संगठन है अलग अलग नाम से बने हैं और आपस में ये झगड़ भी रहे, एक तो कह रहा है ऐसे करो और दूसरा कह रहा है वो ऐसे करो, और इसी बीच लेके भैया उन्होंने कोर्ट में याचिका भी लगा दी और कुछ हवाला देने लगे उसी याचिका की भी। याचिका में जो तथ्य पेश किए गए हैं वो सही नहीं है, उस आधार पर आरटी का क्लेम है स्कूल साथियों को नहीं मिले। खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसी बीच हमारे जो स्कूल साथी वो कंफ्यूज हो गए कि हम क्या करें, पोर्टल पे एंट्री भरनी है या फिर नहीं भरनी है। तो मैं आपको हर बार यही कह रहा था कि अगर आपको क्लेम चाहिए, सरकार से पैसा चाहिए आरटी वाले स्टूडेंट का, तो आपको भरना है वरना आपको नहीं भरना है। और अब लास्ट में सभी जो संगठन है वो लास्ट में ये कह दिया, अभी मर्जी आपकी है, आपको भरना या नहीं भरना फैसला आपके पास है, क्योंकि इन स्कूल संगठन साथियों ने एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे में कहा गया था कि लगभग राजस्थान की 70% स्कूलों ने ऑनलाइन डाटा एंट्री वो नहीं की, लेकिन ये गलत ही निकला, उल्टा निकला। यहां पे केवल 30% स्कूल हैं उन्होंने ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं भरी थी, बाकी 70% ने वो भर दी थी। लेकिन बाद में असलियत का तो तब पता चला जब डिपार्टमेंट के द्वारा जो लास्ट डेट वो चली गई थी और मेल के द्वारा जानकारी मांगी थी, तो हर ने मेल करना शुरू कर दिया, तो डिपार्टमेंट का जो मेल एड्रेस बॉक्स है वो फुल हो गया। तब पता चला कि यार हां, पैसे तो सभी लेना चाहते हैं लेकिन संगठन के साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन यार संगठन मजबूरियों का फायदा उठाता है और साथियों का सहयोग नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, न तो मैं संगठन पे जाऊंगा न मैं आपके साथ जाऊंगा, मेरा काम है आप तक सूचना पहुंचाना, आपको क्या करना, फैसला आपके हाथ में है। पैसा चाहिए तो ऑनलाइन एंट्री कर दो, अगर नहीं चाहिए तो संगठन का साथ दे दो। न तो मैं संगठन का विरोध करता हूं न मैं आपका विरोध करता हूं, मैं एक रिपोर्टर हूं, केवल एक सूचना का जरिया सूचना आपको देता हूं। अगर आपको ऑर्डर पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे साथी ये कहेंगे ऑर्डर दो
कंफर्म कराओ हमें, तो अपनी साइट है, साइट पे जाके वो देख लेना। साइट का नाम है www.rajguruji.com है। ऑर्डर वाले सेक्शन में मिल जाएगा, प्राइवेट स्कूल वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आरटी वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। कहीं से भी डाउनलोड कर लो, आपको ये लेटेस्ट ऑर्डर जो कि आज ही जारी हुआ है वो मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लास की डाटा एंट्री आपको कब तक करनी, तो दोस्तों जानकारी तो मुझे यही देनी थी। बताना जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल साथियों में भी शेयर करना। जो साथी नए हैं चैनल पे और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, आपको लगता है कि यार मैंने आपको सही जानकारी दी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना। फिर आप कहोगे यार आप तो जल्दी जल्दी बोल रहे हो, क्योंकि यार और भी काम करने हैं, वीडियो है आपको तक पहुंचाना भी है, नई जानकारी आपको भी देनी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।